टेलीविजन अदाकारा श्वेता तिवारी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन में नजर आ रही हैं। श्वेता जितना ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं, उतना ही वह पर्सनल लाइफ को लेकर भी छाई रही। श्वेता की बेटी पलक तिवारी भी अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती हैं। पलक जल्द ही अपनी हॉरर फिल्म रोजी द सैफ्रॉन चैप्टर से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार है। हाल ही में गणपति विसर्जन के दौरान जब श्वेता से बेटी पलक के बॉलीवुड डेब्यू के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि मूवी आ रही है, बहुत एक्साइटिंग है, बहुत अच्छी बात है कि आ रही है। भगवान करे कि बहुत सारी ऐसी और मूवीज आए। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए, प्लीज आशीर्वाद देते रहे, प्यार करते हैं। और ऐसी मूवी फिल्म की कहानी रोजी नामक एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो ऑफिस में एक कर्मचारी थी। इसके बाद जब श्वेता से खतरों के खिलाड़ी के 11वें सीजन के बारे में बात की गई तो उनका जवाब था कुछ क्या देख रहे हो ना एपिसोड, अब नहीं पूछ सकते कौन। हाँ, फाइनल आने वाला है, वेरी एक्साइटिंग, द शोज डूइंग वेरी वेल। पापा से प्रार्थना भी की होगी तो? जी नहीं, पापा से क्या प्रार्थना करना, पापा से प्रार्थना किया था कि मुझे दिला दो शो, नहीं ना पापा ने खुद ही दे दिया ना। अपना विशाल सर नहीं है? विशाल सर कल आए थे, आज वो आने वाला था लेकिन सुबह हमारा इतना लेट पैकअप हुआ, सुबह 4 बजे पैकअप हुआ जहाँ हम शूट कर रहे थे ये जो महासंगम था, कि वो इतना थका हुआ था, उसने फोन करके कहा कि मैं बहुत थका हुआ, मैं ना आ सकता हूँ ना डांस कर सकता हूँ, सो इसलिए नहीं आया, वरना वो आने। 40 वर्षीय श्वेता पिछले 2 दशकों से अधिक समय से टेलीविजन उद्योग का हिस्सा है। उन्होंने कसौटी जिंदगी की मैं प्रेरणा बजाज के रूप में अपने दर्शकों के साथ लोकप्रियता हासिल की और बाद में परवरिश, बेगूसराय और मेरे डैड की दुल्हन जैसे शो में अभिनय किया। INS रिपोर्ट।